नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। खरसुआ थाना रघुनाथपुर में 5 की संख्या में पहुंचे अपराधी के ताबड़तोड़ गोली चलाकर श्याम मांझी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। ये मामला आपराधिक है या नक्सली, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वही घटना की सूचना मिलते ही खरसुआ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फोन कर दिया कि मतलब ये बुखार पे पीड़ित है, उसके चलते आओ, थोड़ा ले जाना होगा, उसके चलते हमको बुलाया था। तो गोली मारा, कितना गोली मारा है? 3 गोली मार रहा है ऐसे, तो 3 गोली देखे सुबह को। घटना घट गया है, मतलब घर पे वो हमको भी नहीं बोल पाते हैं। मेरा वाइफ बोल रहा है 5-6 आदमी आया था ना, 9-10 इतना ही बोला था। कोई इधर सरहुल नाश में इतना आता ही है, लेकिन कोई नहीं पहचानने से कौन है क्या नहीं वहाँ पता। हुड़लंग जमीन विवाद को लेकर कागजात के साथ एक पक्ष महिलाएं पहुंचे एसएससी के पास की निष्पक्ष जांच की मांग। रतुली देवी जो हम लोग के घर का जेंट्स लोग को जो गलत इल्जाम लगाए वो सब गलत है। वो लोग अपने जमीन को हड़पने के, हम लोग के जमीन को कब्जा करने के लिए वो लोग कोई भी हद तक जा सकती है। वो लोग अपने इज्जत तक दाव लगा देती है। सही तरह से हम लोग की कार्रवाई की जाए और हम लोग अपना जमीन, अपना हक हम लोग को मिले। बुद्धेश्वर और परमेश्वर ये हम लोग का जमीन कब्जा करके रखा, कब्जा करने के लिए खोज रहा है। और हम लोग जाते हैं हम लोग जाते हैं तो हम लोग पर गुंडागिर्दी मारने की धमकी देता है और लोग अपने घर पर गुंडा रखता है और जाते हैं तो पिस्तौल दिखाता है, बंदूक दिखाता है। राजस्थान में उठे पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड में भी देखने को मिल सकता है। झारखंड में 20, 21 और 22 मार्च को वज्रपात और गरज के साथ बारिश की संभावना है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने इसकी संभावना जताई है। 20 तारीख को उत्तरी, दक्षिणी तथा मध्य झारखंड के कुछ इलाकों में आपको मेघ गर्जन के साथ वज्रपात होने की भी संभावना जताई जा रही है। और 21 तारीख की बात करें तो सिर्फ राज्य के दक्षिणी भाग है, यहाँ पे कुछ इलाकों में आपको हल्की बारिश के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के ये है कि अगले जो 3 दिन है झारखंड में कुछ इलाकों में आपको हल्की बारिश के साथ में थंडरस्टॉर्म और लाइटिंग भी देखने को मिलेगा। और जो 22 और 23 तारीख है, 22 तारीख को थोड़े आंशिक बादल छाए रहेंगे बट मौसम शुष्क रहेगा और 23 तारीख को मौसम मुख्यतः साफ रहेगा और शुष्क रहेगा। तापमान की बात करें तो अगले 3-4 दिनों में जो न्यूनतम और अधिकतम तापमान है उसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। सरायकेला खरसा जिला अंतर्गत कपाली के रहने वाले मोहम्मद अमन और मोहम्मद शाहिद अंसारी साक्षी और गोलमुरी थाना क्षेत्र में 7 फरवरी से 27 फरवरी के बीच लूट की घटना को अंजाम दिया था। यह दोनों 7 फरवरी को साक्षी थाना क्षेत्र में और 23 और 27 फरवरी को गोलमुरी थाना क्षेत्र में राह चलते लोगों से मोबाइल छीन कर फरार हो गए थे, जिसका उद्भेदन करते हुए पुलिस ने दोनों अपराधियों को मानगो से गिरफ्तार किया गया, जिनकी निशानदेही पर लूटे गए मोबाइल और एक महिला से छीनी गई पर्स भी बरामद किया है। पूछताछ की गई और निशानदेही पर 4 मोबाइल बरामद किया गया है, जिससे कि कुल 3 लूट की घटनाओं का उद्भेदन हो सका। जो मामले में लूटे गए मोबाइल थे उनको बरामद किया गया है और एक हैंड पर्स को भी बरामद किया गया है। इनमें से एक अपराधी जो अमन है, इसका पूर्व से भी अपराधी का इतिहास रहा है। ये बर्मा माइंस और आदित्यपुर से जेल जा चुका है और इसके साथ ही इस घटना में प्रयोग किया गया मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है। मानगो आजाद नगर थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग द्वारा छापेमारी कर 400 लीटर स्प्रिट सहित 60 लीटर अवैध नकली अंग्रेजी शराब जब्त की है। त्यौहार के मद्देनजर रखते हुए सहायक आयुक्त पर पुलिस सिंह के आदेशानुसार हम लोग आजाद नगर थाना अंतर्गत कुंवर बस्ती में आज दोपहर में छापामारी किए हैं। छापामारी में 400 लीटर स्प्रिट, 60 लीटर बना हुआ शराब और विभिन्न ब्रांड के स्टिकर और ढक्कन और तकरीबन 10-20 पेटी खाली बोतल बरामद हुआ है वहाँ घटनास्थल से, और घटनास्थल से 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। ये तकरीबन अभी लॉकडाउन के बाद से लोग अपना कारोबार स्टार्ट किए थे, इसकी सूचना हमें 2-4 दिन पहले मिली, उसको भी हमने अपने स्तर पर सत्यापित करते हुए अच्छा कमा किया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुवा अंतर्गत बोखना स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर के समीप कारो नदी में शुक्रवार संध्या को नहाने गए 3 युवक नदी में डूबने लगे। स्थानीय लोगों की मदद से 2 को किसी तरह बाहर निकाला गया, लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी अमन मिश्रा का कुछ पता नहीं चला। जब आज प्रातः पुनः खोजबीन करने के लिए लोग जुटे ही रहे थे, तभी नदी में शव तैरता मिला, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से नदी से बाहर निकाला गया, जिसे घर वालों ने अमन मिश्रा के रूप में पहचान की, जिसके बाद गुवा सिविल अस्पताल के डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। तत्पश्चात पुलिस शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए चाईबासा भेज दिया।
लॉकडाउन से 363वां दिन एवं अनलॉक 5 में लगभग एक वर्ष पूर्ण होने को आया। पूरे कोरोना काल में अपने और अपने परिवार की चिंता छोड़ निरंतर समाज व देश के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करते आ रहे हैं। आज इसी कड़ी में टीम संघर्ष परिवार के दो कोरोना योद्धा श्रीमान अरिजीत सरकार जी ने अपना 55वां स्वैच्छिक रक्तदान जिसमें 5 बार सिंगल डोनर प्लेटलेट्स रक्तदान शामिल है एवं श्रीमान अजीत कुमार भगत जी ने अपना 50 बार स्वैच्छिक रक्तदान जिसमें 14 बार सिंगल डोनर प्लेटलेट्स रक्तदान शामिल है समाज के उन जरूरतमंदों को जो अस्पताल में इलाजरत है उन्हें समर्पित किया। लगभग 6 वर्षों से धरातल पर कार्य करते हुए कई क्षेत्रों में कार्य कर टीम संघर्ष परिवार ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। पूर्वी सिंहभूम जिले के विभिन्न राजकीय मध्य विद्यालय में कार्यरत रसोइयों को 8 महीने के वेतन देने की मांग सामाजिक सेवा संघ ने मुख्यमंत्री से की है। राजकीय मध्य विद्यालय में जो रसोईया लोग जो खाना बनाता है उन लोग को कोरोना काल का पेमेंट भी नहीं मिला, ठीक है। और अभी जो स्कूल विद्यालय चालू हुआ उसमें 8 महीना से लोग को वेतन नहीं मिला है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने 2020 के अप्रैल में घोषणा किया था कि 500 रुपया बढ़ा के लोग का वेतन देगा, वो भी वेतन में लोग को बढ़ा के नहीं मिलता। जिला शिक्षा अधीक्षक के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि ये लोग का वेतन को जल्द से जल्द देने की कृपा की जाए और ताकि ये लोग को परिवार चलाने में तो दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सरायकेला खरसा जिले के कुकड़ू और ईचगढ़ प्रखंड क्षेत्र के पंचायतों में शनिवार को कोरोना रोधी वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। कैंपों में 60 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष से ऊपर रोगग्रस्त ग्रामीणों को वैक्सीन दिया गया। वैक्सीनेशन कैंप में लोगों का सुबह से ही लाइन लग गया। वैसे वैक्सीन के लिए लोगों का आधार नंबर के साथ नामांकन कराया गया। आपके राज्य द्वारा निर्देश दिया गया है एवं उपायुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिया गया है, आज से हम लोगों का जो 6 दिन का कैंप है एक तरह से कोविड के वैक्सीनेशन का, वो हम लोग शुरुआत किए। अभी हम लोग तिरुल्ली स्कूल में हम लोग उपस्थित हैं। पोटका में अब पंचायत स्तर पर कोविड वैक्सीनेशन आज से प्रारंभ कर दिया गया। वहीं पोटका के 5 पंचायतों में इसकी शुरुआत की गई। पोटका के हल्दी पोखर पूर्वी पेतला, हल्दी पोखर पश्चिम, रसन छोपा, गंगाडी आदि। आसमान में बादल छाए और सुबह सुबह का मौसम हो, इस बीच मोर का नृत्य देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। जी हां, ऐसा एक दृश्य झारखंड उड़ीसा बॉर्डर के टांगराइन स्कूल के समीप जो जंगल से सटा हुआ है, वहां एक मोर नृत्य करते हुए एवं विचरण करते हुए दिखाई दिया जो जंगल से उड़कर आते हैं और गांव में भोजन आदि कर वापस जंगल लौट जाते हैं। किसी किसी समय नाचता है, देखने में अच्छा लगता है। कीड़ा मकोड़ा सब वही जहरीला सांप बिच्छू यही सब को खा जाता है, मानुष के लिए यही सब अच्छा है। सरायकेला केंद्र टांडीगढ़ उनमें उत्कल युवा एकता मंच के द्वारा शुक्रवार को ओडिया नाटक का शुभारंभ किया गया। बता दें कि यह ओडिया नाटक पिछले 30 साल पूर्व किया जाता था। 2021 में फिर से कोविड-19 कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करते हुए नाटक का आयोजन किया गया। सरायकेला खरसा जिले के तिरुल्ली थाना के पास आज वाहन और मास्क का चेकिंग अभियान चलाया गया। वैसे चेकिंग अभियान में बाइक और 4 पहिया वाहनों का कागजात डिक्की आदि का जांच किया गया। वहीं मास्क नहीं लगाने वालों को चेतावनी देकर छोड़ा गया। वहीं मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करने के प्रति जागरूक भी किया गया। सर, कोरोना बीमारी का बढ़ते हुए देखते हुए मास्क चेकिंग किया जा रहा है, साथ ही पश्चिम बंगाल में दोषी को देखते हुए गाड़ी वगैरह का चेकिंग किया जा रहा है। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र बेल्डी ग्राम बस्ती निवासी ने बिष्टुपुर थाने में शिकायत की थी कि राकेश कुमार नामक व्यक्ति बैंक में लोन दिलाने के नाम पर कई लोगों से ठगी कर चुका है। आरोपी राकेश कुमार सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भुयाडी का निवासी है, जिसका चेक बार बार बाउंस हो रहा है, जिसकी शिकायत के आधार पर पुलिस राकेश की तलाश कर रही थी। इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी टीएमएच के पास है, जिसके बाद छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया गया। 40,000 का चेक दिया था जो बाउंस कर गया और ये बिष्टुपुर थाना में केस हुआ था जो आज सुबह में आज हम लोग पकड़े हैं और इसे मेडिकल के बाद इसको कहाँ से ये पकड़ाया है? ये टीएमएच के पास से पकड़ा है। कितने का ये ठगी किया था? 40,000। कैसे किया था ये चेक? मतलब दे करके उसको बोला था कि आपका ये रिटर्न हो जाएगा, उसके एवज में ये उसको लोन दिलवाया था। उसको बोला कि ये फिर दोबारा अगर 40,000 रुपया यदि करोगे तो फिर हम तुमको माफ़ हो जाएगा। तो ये व्यक्ति उसको 40,000 रुपये का चेक दिया और फिर बाद में वो गया तो चेक बाउंस कर गया। पैसा ले लिया था ये? हाँ, पैसा ले लिया था। मतलब ये ठगी का मामला सामने आया? हाँ, ठगी का सामने आया। क्या नाम है इनका? डी राकेश राव। कहाँ का रहने वाला है ये? मियाडी का रहने वाला है।
तेजस्विनी सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वाधान में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सरजामदा केवट भवन में निःशुल्क चर्म रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सर्वप्रथम शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के पश्चात आरम्भ किया गया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक आज प्रदेश कार्यालय में हुई। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में हुई बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी सहित चुनाव समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी का चयन बैठक का मुख्य मुद्दा था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, बाबूलाल मरांडी और संगठन मंत्री धर्मपाल को प्रत्याशी चयन के लिए अधिकृत किया गया। हालांकि प्रदेश नेतृत्व के पास मधुपुर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 6 बीजेपी कार्यकर्ताओं का नाम आया है। इन नामों में किसी एक का नाम चयन कर भाजपा केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाना है। चुनाव समिति के प्रमुख नेता हमारे आदरणीय बाबूलाल मरांडी, आदरणीय रघुवर दास जी, आदरणीय मुंडा जी सहित तमाम लोग उपस्थित हुए और चुनाव समिति में 6-7 कार्यकर्ताओं का मधुपुर क्षेत्र से नाम आया। विचार चल रहा है और चुनाव कमेटी ने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, आदरणीय प्रतिपक्ष नेता श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी को और माननीय संगठन महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी को अधिकृत किया है कि आप तीनों लोग बैठ करके तय कर और जिस पर विचार बने बहुत देखिए। बंगाल चुनाव में इस बार बंगाल की जनता पिछले 10 सालों की सरकार से बहुत त्रस्त है, उन्हें बहुत डराने की कोशिश हो रही है, बहुत तरीके से उस जनता के ऊपर में कोशिश किया जा रहा है मानसिक दबाव बनाने का, पर इस बार बंगाल की जनता खुले मन से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए बहुत तैयारी के साथ जनता मतदान करेगी। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है, संगठन मंत्री जी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल जी हैं, हम सारे लोग अधिकृत थे। जो भी नाम आया उसको विचार, तीन नामों पर चर्चा हुई, तीन चार है जो भी है उस पर अधिकृत हम लोग कर दिए, उन लोग जो डिसीजन लेगा वो फाइनल। किनको अधिकृत किया गया? तीनों सर, केंद्रीय चुनाव समिति को ये रिपोर्ट भेजा जाएगा। नहीं, अभी तीनों को हम लोग अधिकृत किए, वो लोग जाकर और फीडबैक उडबैक लेके विधानसभा में फिर वो लोग अपना देंगे। उम्मीदवार किसका होगा, आपका होगा या आसू का होगा? हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी का।